नमस्कार, आज हम अगली क्लास देखेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से आपको वैकल्पिक विषय का चुनाव करना है आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं और ये चाहते हैं कि हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम पर शिफ्ट हो जाएँ। उनको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग लोगों से, सीनियर्स से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो काफ़ी इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी सब चीज़ की कि किस तरीके से आप अपना वैकल्पिक विषय चुनें। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपको भीड़ से हटके काम करना है। तो जो सब लोग कर रहे हैं अगर आप वैसे ही करेंगे तो आप वैसा ही स्कोर कर पाएंगे। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अब लगभग अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 400,000 लोग जो हैं वो अपीयर होते हैं एग्ज़ाम के लिए, उसमें से 50% निकलते हैं, 3% लगभग मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं। जो मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं उनका प्रतिशत लगभग 0.25 होता है जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आपका लगभग 0.0025% होता है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज है जो फाइनल कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं। तो हम कहते हैं लगभग 10,000 में से एक कैंडिडेट जो है वो इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि आपको उन 10,000 में से एक कैंडिडेट बनना है तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण या टफ क्वेश्चन है जिसकी हम बात करते हैं। तो अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करें तो आपको क्या देखना होगा, आपको दो चीज़ें मुख्यतः ध्यान रखनी होंगी। पहला तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, या वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट देता है या नहीं। तो पहला तो चीज़ है आपका इंटरेस्ट, और दूसरा है आपका बैकग्राउंड, आपका पुराना बैकग्राउंड क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो प्रेफरेंस यही है कि आप अपना ऑप्शनल इंजीनियरिंग रखिए, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो। अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छे नहीं हैं तो कहानी अलग होगी। अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, तो आप मनोविज्ञान रखिए। अगर आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी या भूगोल है तो आप भूगोल रखिए। तो ये तो एक प्राइमरी कंडीशन हो गई, पर ये कंडीशन तभी होती है जब आप उन सब्जेक्ट में अच्छे हैं। अगर आप उन सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो निश्चित तौर पर फिर आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बैकग्राउंड के लिए हम स्पेसिफिकली क्यों बोलते हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये कि उस सब्जेक्ट में आप अपने 4 साल लगा चुके हैं, तो 4 साल में अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, तो वो आप जो 4 महीने पढ़ने वाले हैं उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो आपका जो एक्सपर्टीज़ है, जो एरिया ऑफ नॉलेज है, जो एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो निश्चित तौर पे ज़्यादा है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में काफ़ी टाइम दे चुके हैं। दूसरा, जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि अच्छा, अगर मैं इंजीनियरिंग ले लूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लूँगा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिज़ल्ट बहुत ख़राब रहता है। कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी में ऐसा नहीं है जिससे रिज़ल्ट ख़राब रहता है। सारे सब्जेक्ट से प्रोपोर्शनल सिलेक्शंस होते हैं। निश्चित तौर पे जिन सब्जेक्ट से देने वालों की संख्या ज़्यादा है तो सिलेक्शन होने वालों की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो आपको ये लगेगा कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है और इससे तो सिलेक्शन हो ही जाता है, पर ये मानना पूर्णतः गलत है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि आपको क्या नहीं करनी चाहिए, वो दो चीज़ें यहाँ पर हैं। पहला तो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है या नहीं। बहुत सारे लोग ट्रेंड पे जाते हैं कि ट्रेंड क्या है, पिछले साल किनका सिलेक्शन हुआ, उसके बेसिस पे ही डिसाइड कर लेते हैं क्या ऑप्शनल लेना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा स्कोरिंग है या कम स्कोरिंग है, ये सब रिलेटिव असेसमेंट की यहाँ पर बात है। और दूसरा, सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी कितना है, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि पॉपुलैरिटी कुछ नहीं होता। अगर देने वालों की संख्या ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर जो सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट सामने आ रहा है उसकी संख्या भी ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम डिटेल में आगे और समझेंगे कि किस तरीके से लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगला है कि लोग ये ट्रैफिक लाइट की तरह अपना डिसीजन लेते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते रहते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते रह गए तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या चीज़ है कि आपके जो थॉट्स हैं वो फ्लिकर नहीं करने चाहिए। तो इसके लिए हम दो प्रमुख बातें कहते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने बैकग्राउंड पर बने रहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है, आप प्रेफरेबली वो या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ही चूज़ करिए। अगर वो सब्जेक्ट आपकी लिस्ट में नहीं है तो उससे जो भी नेक्स्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है उसी को उठाइए। दूसरा है,
कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 2015 में हमने एग्जाम दिया था मनोविज्ञान ऑप्शनल के साथ, पर उसमें हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया, तो 2016 में हम सोच रहे हैं हम भूगोल उठा लेते हैं। ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आप एक बार तो इस सब्जेक्ट में एनर्जी लगा ही चुके हैं। अब अगर आप नया सब्जेक्ट उठाते हैं तो आपको पूरा नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे ये एग्जामिनर भी जानता है, ये हर व्यक्ति जानता है कि 4 महीने के टाइम में ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पूर्णतः कवर नहीं कर सकते। अगर आप ये भी बोलें कि हमने प्रिलिम्स के पहले से सब्जेक्ट उठाया है, तो भी आप मेंस तक 8 महीने से 1 साल के दौरान में आप उसको सिर से पैर तक नहीं समझ सकते हैं। हर सब्जेक्ट वास्ट होता है, हर सब्जेक्ट में जो नया आदमी एंट्री ले रहा है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको ये निश्चित तौर पे समझना होगा कि ऐसे ऑप्शनल स्विच करना कि पहले साल मैं एक ऑप्शनल के साथ अटेम्प्ट दे दूँ, दूसरे साल में अगले ऑप्शनल के साथ अटेम्प्ट दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ऑप्शनल जो एक बार पकड़ लिया है उसको अच्छे से सोच समझ के लीजिए, और एक बार लेने के बाद उसी ऑप्शनल पे बने रहिए। अगला है ट्रेंड क्या कहता है। अब ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट से सुनने में आती है कि हमारा ट्रेंड, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ऐसा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, आपका इतिहास, भूगोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और समाजशास्त्र ऐसे विषय हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं। बाकी आपका फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से थोड़े से सिलेक्शंस होते हैं, लिटरेचर से तो नाम के सिलेक्शंस होते हैं, और बाकी साइंस सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस वगैरह से बहुत ही लिमिटेड सिलेक्शंस होते हैं। तो ऐसा ट्रेंड कहता है, पर वो ट्रेंड क्यों कहता है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो ट्रेंड इसलिए कहता है क्योंकि इस एग्ज़ाम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम इसको ज़रा थोड़ा गौर में समझते हैं। ऐसा मानिए कि हिंदी लिटरेचर के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, हिंदी लिटरेचर से 10 लोग अपीयर हुए, फिर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेके, मनोविज्ञान सब्जेक्ट लेके 100 लोग अपीयर हुए, इसी तरीके से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लेके 500 लोग अपीयर हुए, और आपका फाइनली भूगोल या ज्योग्राफी लेके 10,000 लोग एग्ज़ाम दिए। अब ये तो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या है, ठीक है। हम कहते हैं कि हर सब्जेक्ट से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लगभग 10% जो हर सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया है उनका सिलेक्शन होगा। तो इसके हिसाब से हिंदी लिटरेचर से 1 कैंडिडेट आया, साइकोलॉजी से 10 कैंडिडेट आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 50 कैंडिडेट्स आए, और ज्योग्राफी से 1,000 कैंडिडेट आ गए। तो निश्चित तौर पे आपकी बात क्या बन गई यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस कहाँ से होते हैं, ज्योग्राफी से, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों के मुंह से आप सुनेंगे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है उनका ऑप्शनल क्या अपने आप हो गया, ज्योग्राफी, क्योंकि हिंदी लिटरेचर से तो ये एक ही आदमी बचा है। मनोविज्ञान से सिर्फ 10 लोग थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ 50 लोग थे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है कि किसी सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होते हैं, हर सब्जेक्ट से प्रोपोर्शनल सिलेक्शन होते हैं। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको वो सब्जेक्ट कैसे लेना है, तो मिसगाइड नहीं होना है। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करिए। पर इसमें भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर कोई भी एक फैकल्टी आपको 100% अच्छा पढ़ाए, ये ज़रूरी नहीं है। एक सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टीज़ में डिवाइडेड होगा और हर फैकल्टी का अपना एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ एरिया है, वो उस एरिया में तो अच्छा पढ़ाएंगे पर बचे हुए आपके एरियाज उतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव तो सेल्फ स्टडी ही होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्ज़ाम को निकालना है, ये मान के चलिए। आप गाइडेंस और मोटिवेशन डेफिनेटली दूसरी जगहों से हमेशा ही ले सकते हैं। तो कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो हमारे हिसाब से हमारा मानना ये है कि कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आप पूर्णतः मन लगा के तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने लिए, खुद के लिए एक कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार कर रखा है, तो इसमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी ये विश्वास करते हैं कि बस कोचिंग कर लिया है अब तो सिलेक्शन निश्चित है, तो आराम से शादी में जा रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको पढ़ाई का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। पर दूसरी तरफ अगर आप घर में बैठ के डिवोटेडली अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे रोज़ दे रहे हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे आप अपना अच्छा कमांड रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी भी
कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा, अपनी तैयारी के द्वारा इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अब सोचना किस तरीके से है, तो इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ऑप्शनल कौन सा लेना है। अब ऑप्शनल कौन सा लेना है ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि हमें उस पर अच्छी रेफरेंसेस नहीं मिल पाती। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने का। अच्छी बुक्स या अच्छी रेफरेंसेस हर सब्जेक्ट में हैं, पर आपकी अवेलेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, और अगर आपके पास अच्छी रेफरेंसेस हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह होती है कि आप पहले ऑप्शनल सेलेक्ट करने के पहले पुराने सालों के पेपर्स उठा के देखिए, थोड़ा बहुत जो आपने 10वीं 12वीं तक पढ़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और आपकी जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी आपको एक फीलिंग तो आ ही जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपके बस का है या नहीं है। तो आप पुराने पेपर्स डेफिनेटली उठा के देखिए, तो उससे आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तीसरा, जैसे कि हमने कहा था कि आपके इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के आधार पे ही आप अपना ऑप्शनल उठाइए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं है आपका उस सब्जेक्ट में तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 या 3 साल तो वो सब्जेक्ट आपके साथ रहना है, और अगर आप बीच में कभी उसमें अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको वो पढ़ने में रुचि नहीं आ रही है, तो आप इस एग्ज़ाम को कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 से 3 साल का समय उस सब्जेक्ट को देना है। और फाइनली ऐसा सब्जेक्ट भी उठाना चाहिए जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को मैच कर सके, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ कंटेम्प्रेरी चीज़ें या कंटेम्प्रेरी आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन से अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट कर सकें, ताकि आप अपने आंसर को और बेहतरीन बना सकें। अब अगर आपको बिल्कुल ही वेग हो के कि आपका बैचलर्स ऐसे सब्जेक्ट में है जिसका कोई लेना देना नहीं है बचे हुए सब्जेक्ट लिस्ट से, और आपको सब्जेक्ट उठाना है, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड यही है कि जीएस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके आसपास से कोई उठाइए। जैसे अगर आप हिस्ट्री उठाते हैं तो एटलीस्ट आपका हिस्ट्री का पोर्शन कवर होगा, पॉल साइंस उठाते हैं, राजनीतिक विज्ञान उठाते हैं तो राजनीतिक विज्ञान कवर होगा, भूगोल उठाते हैं तो भूगोल की चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठाते हैं तो आपका पेपर 4 जो एथिक्स का है वो कवर हो जाएगा, अगर आप एनवायरनमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पेपर आसानी से कवर कर पाएंगे जो कि आपका पेपर 3 का हिस्सा बनता है। तो डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल ही वेग हैं और आपको कुछ नहीं पता कि किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, तो प्रेफरेंस यही कहता है कि जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप अपना ऑप्शनल निर्धारित करिए, तो वो ही सारे ऑप्शनल्स आपके लिए बेहतरीन होंगे जो जनरल स्टडीज़ में आपको योगदान दे सकें। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म होता है। हमने और जितने भी लेक्चर्स एग्जाम डेज इंग्लिश के चैनल पे कवर किए हैं हम धीरे धीरे हिंदी के चैनल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।